हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 10वें, 10th और 100वें, 100th भाग से संबंधित कुछ मजेदार शब्द पहेलियों को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम और भी रोचक पहेलियों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में बन्नी अपनी टोपियां बेचने शहर जा रहा था। बन्नी की सारी टोपियां बिक गईं और वो बहुत खुश हो गया। अब बन्नी सोच रहा है कि वो रजाई बेचेगा। रजाई सिलने के लिए बन्नी बड़बोले चाचा की दुकान पर कपड़ा खरीदने आया है। वो दो अलग अलग लंबाइयों की रजाइयां बेचना चाहता है। पीली रजाई 3.45 मीटर लंबी होगी और नीली रजाई 4 मीटर लंबी होगी। बन्नी ने चाचा से अपनी रजाइयों के लिए कपड़ा खरीद लिया और अपने घर लौट आया। बन्नी सोच रहा है, नीली रजाई पीली रजाई से कितनी ज्यादा लंबी होगी? चलो मैं घटाव की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इसका उत्तर ढूंढ लेता हूँ। 3.45 में 45, 4500वां 4500th भाग है, लेकिन 4 में कोई भी 100वां 100th भाग नहीं है, इसलिए मैं 4 को 4.00 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब मैं घटाव की साधारण प्रक्रिया का इस्तेमाल करके पहले 400 में से 345 घटा लूंगा, ये हो गए 55। अब क्योंकि यहाँ दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, मैं उत्तर में भी दशमलव बिंदु इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हो। बन्नी ने सोचा, अच्छा नीली रजाई पीली रजाई से 0.55 मीटर ज्यादा लंबी है और क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100th भाग है, 0.55 मीटर 55 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बन्नी ने सोचा। बन्नी ने अपनी रजाइयां सिल ली और अपनी रजाइयां बेचने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10वें, 10th और 100वें, 100th भाग से संबंधित और भी रोचक पहेलियों को हल करना सीखा।